एक बार फिर से मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 15% वृद्धि के साथ अंतर वेतन यानी एरियर भुगतान से संबंधित सूचना। तो वीडियो को चालू करने से पहले मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन और से दबा दें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि वेतन अपडेट, आवंटन और शिक्षा विभाग से संबंधित तमाम जानकारी अपडेट करूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। सबसे पहले हम देखते हैं सीवान जिला के एरियर से संबंधित सूचना। सीवान जिला से मिली जानकारी के अनुसार 15% वृद्धि के साथ अंतर वेतन विपत्र जिला के सभी माध्यमिक उच्च माध्यमिक पुस्तकालय अध्यक्ष उत्क्रमित विद्यालय के साथ सभी शिक्षकों का बैंक में आज जमा हो गया है। आज ही इसका भुगतान होने की पूर्ण संभावना है। किसी कारणवश नहीं हुआ तो सोमवार को निश्चित रूप से हो जाएगा। वही नालंदा जिला से मिली जानकारी के अनुसार आज 16 तारीख हो गया, लेकिन खेद का विषय है कि 16 तारीख हो जाने के बाद भी माह मार्च 2022 का निगेटिव अभी तक जिला स्थापना कार्यालय को 11 प्रखंड का उपलब्ध नहीं हो सका है। लेकिन 15% अंतर वेतन विपत्र जमा हो गया है बैंक में और आवंटन के अभाव में 2 माह का ही एरियर भुगतान होगा। वह आज नहीं होगा, सोमवार को निश्चित रूप से इसका भुगतान हो जाएगा। जमुई जिला में भी आवंटन के अभाव में अंतर राशि और वेतन भुगतान बाधित है। सीतामढ़ी जिला में आवंटन रहते हुए भी विपत्र 17 प्रखंड का जमा नहीं होने के कारण 15% अंतर वेतन भुगतान लंबित है। जैसे ही 17 प्रखंड का एरियर का विपत्र जमा हो जाएगा जिला में इसका भुगतान चालू करा दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए विपत्र जमा कराने के लिए सभी प्रखंड संघीय पदाधिकारी की सक्रियता जरूरत है। वहीं बक्सर जिला में भी आवंटन नहीं रहने के कारण वेतन भुगतान तथा एरियर लंबित है। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।